बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम तमाम पीपीएससी कैंडिडेट्स को मेरे चैनल पर खुशामदीद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों, आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से कुछ अहम फ़ैसला किया गया, उस हवाले से अहम अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ साथ जो बाकी टेस्ट रहते हैं, उर्दू इस्लामिया, तहसीलदार और बाकी जो टेस्ट रहते हैं, वो कब होने जा रहे हैं, अहम अपडेट है दोस्तों। उसके साथ साथ कुछ रिज़ल्ट्स रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि जो रिज़ल्ट्स रहते हैं वो कब आने हैं और अभी तक हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो क्यों पोस्टपोन किए गए हैं, क्यों डिले हो रहे हैं। तो उस हवाले से अहम आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप ना करना दोस्तों, एंड तक देखना ताकि सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएँ और अपडेट आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो इसी तरह दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमेशा की तरह चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट और जॉब्स के हवाले से अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो यहाँ जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कुछ एडवर्टाइज़मेंट आई है। एडवर्टाइज़ नंबर 10/2021 को कुछ जॉब्स आई हैं, उस हवाले से हम देखेंगे कौन सी जॉब्स आई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हाई कोर्ट के फैसले की तरफ आएँगे। तो उसके साथ साथ जो है बाकी जो रिज़ल्ट्स रहते हैं और पेपर जो रहते हैं वो कब होने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपके सामने है, कुछ जॉब्स आई हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आप इसको देखते जाएं, आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी कंपोज़र की पोस्ट है। BS-15 स्केल पे दो पोस्ट हैं, एक पोस्ट है सोइल साइंटिस्ट की, उसके बाद दो पोस्ट हैं डायरेक्टर की एग्रीकल्चर में, उसके बाद हैं दो पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की प्लानिंग डिपार्टमेंट में फील्ड विंग की। तो इसी तरह उसके बाद है पंजाब सीड कॉरपोरेशन की, इसी तरह प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। 8 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, 3 पोस्ट हैं डिप्टी डायरेक्टर की। तो इसी तरह जो है, आप इसको एडवर्टाइजमेंट आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुकम्मल आप जो है इसके लिए देख सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, वो 31 मई 2021 है। तो इसके लिए आप जल्दी से अप्लाई करें, जो कि आप एलिजिबल हैं जहां पर, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मेल और फीमेल की लाइब्रेरियन की भी बहुत बड़ी भर्तियों का 400+ जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है एडवर्टाइज नंबर 9 में। तो पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी उस हवाले से कि कौन सी जॉब्स आई हैं लाइब्रेरियन की, मेल और फीमेल की कितनी हैं, उसकी तमाम डिटेल आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप जल्दी से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करेंगे हाई कोर्ट के फैसले की तरफ। तो डिप्टी अकाउंटेंट का जो BS-16 स्केल पर जो रिकमेंड हो चुके थे स्टूडेंट्स, जॉब कर रहे थे कैंडिडेट्स PPSC के, उनको जो है दोबारा से वो डिसमिस कर दिया गया था कि उनका पेपर जी लीक हो गया था, वो भी उनका दोबारा लिया जाएगा। तो इसी तरह जो है उनका फ़ैसला जो है वो वापस ले लिया गया है, तो वो दोबारा से अपनी जो है जॉब्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि हाई कोर्ट ने उनके हक में फ़ैसला दे दिया है। तो इसी तरह बाकी जो पेपर रहते हैं वो भी PPSC को जो है हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि वो दोबारा से जल्दी से, जैसे ही हालात ठीक होते हैं, वो लेना स्टार्ट कर दें। जो उनके पेपर लीक हो गए थे, जितनी डिटेल भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, तो उस हवाले से बहुत जल्द जो हैं टेस्ट उनके स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात आती है कि ये जॉब्स तो आ रही हैं, पिछले टेस्ट भी अभी तक नहीं हो रहे, तो इसकी वजह यही है कि ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एडवर्टाइजमेंट आ रही है, इनके भी टेस्ट लिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है टेस्ट वो लिए जाएंगे जो बाकी लीक हो चुके थे, उर्दू इस्लामिया तहसीलदार के टेस्ट रहते हैं। तो उस हवाले से जो है वो टेस्ट तब लिए जाएंगे जब के हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की शदीद लहर जो है इस वक्त जारी है और लॉकडाउन किया जा रहा है। तो ईद के बाद अगर ठीक होते हैं हालात, तो उस हवाले से कि उसके पेपर लिए जाएंगे, बाकी जो रहते हैं टेस्ट, तमाम टेस्ट लिए जाएंगे। तो उसके बाद जो है अगर नहीं होते हालात ठीक, तो बड़ी ईद तक शायद हो सकता है, ईद अल अज़हा तक भी जा सकते हैं। लेकिन आप भी अल्लाह से दुआ करें जल्दी हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं और अल्लाह पाक आप सबको भी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो इसी तरह बात आती है रिज़ल्ट्स की, तो कुछ रिज़ल्ट्स जो हैं वो 29 को आ चुके हैं। बहुत सारे रिज़ल्ट जो हैं जियोग्राफीज़ के, अरबिक के और भी स्टेटिस्टिक्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो इसी तरह आपके भी बाकी जो रिज़ल्ट रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे, मुकम्मल रिज़ल्ट, उनके फ़ाइनल रिज़ल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही न्यू अपडेट आएगी, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर जो है आपके सामने पेश करूँगा। उसी तरह जो है, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।